रतलाम जिले के अलोट में इस वर्ष भी प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसको लेकर अलोट के टेंट, बैंड, साउंड, लाइट, टेंट डेकोरेशन, घोड़ी, बग्गी, इन सभी पर बड़ी मार बेरोजगारी की पड़ी है, जिसको लेकर आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है। प्रशासन द्वारा शादियों पर रोक लगा दी गई है, जबकि इस माह में इन सभी के व्यवसायों का सीजन रहता है और इस महीने के सीजन के कारण 12 महीने तक इससे अपना परिवार पालन पोषण करते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण भूखा मरने की नौबत आ गई है। सभी व्यवसायियों ने एक बैठक कर 5 सदस्यों के दल को अधिकारी से मिलने की बात कही। सभी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश शुक्ला SDM से बात की और यह भी ध्यान रहे कि राजेश शुक्ला ने 19 अप्रैल तक सभी से संयम बनाने की अपील की है और कहा है कि यदि किसी को भी भूखे मरने की नौबत आए तो वह हमें सूचना दे, हम आपकी मुसीबत को समझते हैं। आपके द्वारा जो 5 लोग बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं, यह बात मैं जिलाधीश महोदय को बताऊंगा। वही जग जाहिर है कि सभी मांगलिक कार्यों पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है और जिसको लेकर सभी रोजगार बंद पड़े हैं, जहाँ पर ऐसे में इन रोजगार व्यवसायियों को बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। लॉकडाउन लगते ही दिनचर्या पर असर पड़ने लगा है। टेंट हो, बैंड हो, साउंड हो, लाइट हो, घोड़ी हो, बग्गी हो, सभी के दिनचर्या पर बड़ा एक मार पड़ने लगा है। उसी को लेकर आज सभी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट के पास पहुंचकर एक मांग पत्र रखकर मांग की है कि इस लॉकडाउन को तत्काल खत्म किया जाए, अन्यथा रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें उन्हें बहुत असर पड़ेगा। इसीलिए राजस्व अधिकारी ने उन्हें 19 तारीख तक का आश्वासन दिया है। देखिए अब 19 तारीख बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या इसी तरह लोग महंगाई की मार और इस बेरोजगार की मार झेलते रहेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राकेश चौहान। आज किस बात को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? हम लोग सभी सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेंट, लाइट, साउंड, जनरेटर, घोड़ी, बग्गी, बैंड वाले सभी भाइयों के अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से बहुत हालत ख़राब है। प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों की अनुमति दी, 50 लोगों में क्या होता है, 20 से 25 तो हमारे वर्कर ही हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में अगर ये शादी ब्याह अगर नहीं खुलेंगे तो पिछले साल भी हम लोग बहुत परेशानियों से हमने टाइम निकाला और इस बार भी हमारे साथ ये सीज़न आई और फिर ये लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे। मतलब अधिकतर छोटे मजदूर और दुकानदार जो है उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो वापस भुखमरी की हालत पर पहुँच गए। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी खोले और 300 से 500 लोगों की अनुमति हमको दे, ताकि हमारा भी रोज़गार चले और मजदूरों को भी मजदूरी मिले, जिसकी वजह से लोग अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए हमने आज 19 तारीख का आश्वासन दिया अपने। हाँ, इसलिए हमने आज जो है ज्ञापन दिया है SDM साहब को, प्रशासन के जिला अधिकारी महोदय के नाम से, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, जिससे हमारे सेक्टर में जितने भी लोग आते हैं सर्विस सेक्टर के, उनको रोज़गार मिले और वो लोग आराम से अपना जीवन यापन करने की कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर ले कि किसी को ऐसी स्थिति में नहीं पहुँचना पड़े कि आत्महत्या करने जैसा कोई कदम ना उठाना पड़े। प्रशासन ने और SDM साहब ने बोला है 19 तारीख के बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा, ऐसा आश्वासन हमको साहब ने दिया है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा संयमित रहे और ऐसे में हमारे जितने भी भाई साथी हैं, बैंड वाले, टेंट वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, जनरेटर वाले, उन सबका कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोगों से बात करें। मैं अध्यक्ष हूँ, कोई भी उनकी जितनी सहायता हमसे हो सकेगी हम करेंगे। धन्यवाद। सर, आज ज्ञापन दिया गया, इसके ज्ञापन छोटे व्यापारियों दिया है, बैंड वालों ने, माइक वालों ने, लेकिन चूंकि लॉकडाउन 19 तक है, हमारे यहाँ संक्रमण दर है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा तभी कुछ निर्णय लिया जाएगा इस मैटर को लेकर। इनकी जो ज्ञापन है, इनकी जो भावनाएं हैं, मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा जो ज्ञापन आया है। ऐसा देखा गया सर, अलोट में ब्लैक मार्केटिंग वगैरह का चल रहा है, अब मूल्य से अधिक वृद्धि में पेमेंट ले रहे हैं लोग, इसके बारे में कुछ टीम वगैरह गठन करने का चल रहा है? नहीं, टीम गठित है, हमने व्हाट्सएप में भी अपील की है कि यदि ऐसा आपको करते मिलता है या शिकायत है, आपके पास सबूत है तो हमें बताएं, तत्काल कार्रवाई करें, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे इसमें हम। सर, लॉकडाउन जो लगा है इसमें गरीब मजदूर वर्ग और गरीब वर्ग के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई है, जो रोज दैनिक मजदूरी करते हैं उनके लिए कुछ शासन प्रशासन की व्यवस्था है क्या? देखो, ये तो वायरस का संक्रमण इतनी ज़्यादा है कि बहुत तत्कालिक अवस्था में इसको लगाना पड़ा। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी किसी खाने की दिक्कत है तो हमें बताएं, प्रशासन को, हम तत्काल मदद करेंगे।
सर, इस कोरोना के काल में आप मीडिया के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं, जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, शासन प्रशासन की मदद करें। इस समय संक्रमण बहुत है, आप अपने परिवार की सुरक्षा रखें, आप स्वतः घर में रहें, मास्क लगाएं जब भी बाहर निकलें, यथासंभव जितना कम से कम बाहर निकल सकें वो करें। आज आपकी चर्चा अनुसार अधिकारी से क्या मामला है पूरा बताएं। देखिए, ये जो लॉकडाउन अभी इस वक्त लगाया गया है मात्र कुछ चुनिंदा जिलों में, ये पूर्णतः अव्यवहारिक है और ये गरीब मजदूरी पेशा जो व्यक्ति है उसकी कमर तोड़ने वाला लॉकडाउन है। सरकार अपनी अव्यवस्थाओं का, जो नाकारापन है सरकार का, उसका ठीकरा गरीब आदमी पर फोड़ रही है। जिस समय वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए था उस समय केंद्र की सरकार वैक्सीन विदेशों में दान कर रही थी, जिस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की जाना चाहिए थी, जिस समय हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जाना चाहिए थी, सरकार उसमें पूरी तरह से विफल है। और चूँकि वो विफलता दबाना चाहती है, आम आदमी की आवाज़ को, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ पर ताला लगाना चाहती है, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। यह लॉकडाउन जो है इसमें गरीब आदमी, मजदूरी पेशा आदमी, हम्माल, टेंट वाला, घोड़ी वाला, बाजे वाला, इस समय लगन सरा का समय है। जो घोड़ी वाला, बैंड वाला, टेंट वाला साल में 3 महीने काम करता है, उस 3 महीने में से ये 2 महीने जब उसके ख़त्म हो जाएंगे तो उसका जवाबदार कौन है? वो अपना, अपने बच्चों का 1 साल तक कैसे पेट पालेगा, इस बात का सरकार के पास जवाब है क्या? सिर्फ रोटी खा लेना या भूख से नहीं मरने देना, ये ज़िंदगी नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों के भविष्य की जवाबदारी इन्हीं आजीविका के साधनों पर है, उनका जिम्मेदार कौन है? इसी बात को लेकर के आज बहुत जनता आक्रोशित थी। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से आज SDM साहब से मिले हैं। यदि इस लॉकडाउन को और बढ़ाया गया तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। कालाबाजारी चरम पर है। यहाँ पर जो मूल्य निर्धारित हैं उन मूल्यों से कई गुना ज़्यादा पर, उन दरों से कई गुना ज़्यादा पर सामान बेचा जा रहा है। हमने SDM साहब को कहा है तत्काल इन मुनाफाखोरी और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा जनता सड़कों पर आएगी, उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।